गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मेरी इंटरव्यूशन विद आर एस एम एंड हि एम बैक विद अनदर लाइव सेशन ऑन दी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो टूडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन दी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू एवरी चैप्टर सो हम हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली exactly हर चैप्टर में से क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज एक लाइव सेशन होने वाला है छः बजे का टाइमिंग था वैसे ही आपका कल भी एक लाइव सेशन होगा और कल हम क्या डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंट्स के बहुत सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर लेंगे तो टुडे तो वी विल बी हैविंग ओवरव्यू अबाउट द चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस इस चैनल पे अपलोड करके रखे हैं तो अगर आपको कोई भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो वो आप सेशन्स को देख सकते हैं और उसके बेसिस पर आप अपना रिविजन कर सकते हैं लेकिन एक लास्ट मोमेंट में एम सी की उस बेस पैटर्न में अगर हम लास्ट मोमेंट में कोई चीजें रिवाइज करें तो वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या लास्ट मिनट रिविजन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सो दिस सेशन ऑफ टुडे विल बी हेल्पफुल फॉर एस वाई बी रेगुलर स्टूडेंट्स एज वेल एज आइडल स्टूडेंट्स और बाकी के भी बच्चे इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज जो जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगर आपके सिलेबस में है तो ये आज का सेशन आपके लिए रहेगा तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगले नोटिफिकेशंस जो मैं लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड सेशंस लेता हूँ उसके बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के साथ तो वो आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करके दिया है तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अभी बेसिकली सिलेबस uh, के बेसिस पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है और हर चैप्टर के जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन ऑल दिस टॉपिक्स बिफोर आई मूव फर्दर लेट लेट अस आई अस बेसिकली नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ओवर हियर जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड बेसिकली हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन नाउ एंड वॉचिंग दिस लाइव सेशन तो एवरीबडी जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन साइमल्टेनियसली आई एम वॉचिंग द कमेंट्स ऑल्सो चलो फर्स्ट हमारा चैप्टर जो है दैट इज अ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश तो आई हैव ऑलरेडी टेकन मेनी सेशंस ऑन पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश हाउ टू सॉल्व दी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेस कैपिटल सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख ली है तो वो भी आपको एस वाई बी कॉम का एक प्ले लिस्ट बनाया है उसमें आपको मिल सकता है लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या क्या पढ़ना है तो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के बारे में अगर हम देखें तो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीजें हैं अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पीस मिल वॉट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हाउ टू पे द लाइबिलिटीज इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज ओवरऑल द पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी ऑफ द पॉइंट्स तो थोड़ा सा एक क्विकली रैपिड फायर जैसा रिविजन कर लेंगे एंड वी विल बी ऑल्सो हैविंग डिस्कशन की क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी देखो पिसमिल का मतलब क्या होता है पिसमिल का मतलब होता है पीसेस uh, या फिर इंस्टॉलमेंट अगर हम कोई चीजें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे पीसेस में पेमेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज पीस मिल एंड वॉट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर हम करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन किसका डिस्ट्रीब्यूशन कैश का मतलब जितना कैश हमारे पास आएगा उसको हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते जाएंगे लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करते जाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है एक बार रिवाइज भी हो सके एज वेल एज आपके दिमाग में ये फिट हो गए अगला पॉइंट में जाता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इन इंस्टॉलमेंट्स एंड वॉट वी आर डूइंग ओवर हियर वी आर गोइंग टू सेटल द लाइबिलिटीज बेसिकली जब हमारा डिजोल्यूशन होता है डिजोल्यूशन किसका पार्टनरशिप का तो जब हमारा पार्टनरशिप का डिजोल्यूशन होता है तब हमें क्या करना पड़ता है वॉट एवर असेट्स वी आर रियलाइजिंग मतलब जितने भी असेट्स हम बेच रहे हैं उससे जितना भी पैसा हमें मिलेगा वो पैसे से हम क्या करने वाले हैं वो पैसे से हम हमारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे तो, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वॉट एवर कैश वी आर गेटिंग आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ द लाइबिलिटीज तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम लाइबिलिटीज को सेटलमेंट करने वाले हैं और ये जो कैश आपके पास आने वाला है ये हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज को सेटल्ड करेंगे इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश तो आप कहेंगे ऐसा क्यों करेंगे हम बिकॉज हम हमारे बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं डिजोल्यूशन हो रहा है बिजनेस इज बेसिकली डिजोल्ड एंड वेन एवर द बिजनेस इज डिजॉल्ड वी विल बी सेलिंग ऑफ ऑल असेट्स एंड वी विल बी पेइंग ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज तो ये बेसिक चीज है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको इसमें ध्यान रखना है अगले पॉइंट में जाते हैं ऑर्डर ऑफ पे पेमेंट टू पे द लाइबिलिटीज अभी हमने डिस्कस किया कि लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है

तो सबसे पहले मतलब इस चैप्टर में आपको प्रायोरिटी सीखनी है कि पहले किसे पेमेंट किया जाएगा फिर दूसरा पेमेंट किसको किया जाएगा फिर तीसरा पेमेंट किसको किया जाएगा ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है देन पे एम्प्लॉयज ड्यू सच एज सैलरीज है वेजेस है प्रोविडेंट फंड है प्रायोरिटी बेसिस दैट मीनस फर्स्ट हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेंगे या उसके लिए प्रोविजन करेंगे सेकेंड विल बी पेइंग ऑल द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स रहा जीएसटी रहा और अदर टैक्सेस रहे फिर हम क्या करेंगे एम्प्लॉयज़ के ड्यूज़ को पेमेंट करेंगे सैलरीज का पेमेंट करेंगे वेजेस का पेमेंट करेंगे प्रोविडेंट फंड अगर हमारा है दैट इज कॉल्ड पी उसका पेमेंट करेंगे फिर अगले पॉइंट में हम क्या पेमेंट करेंगे जो हमारे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ होती है जैसे कि क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल है बैंक लोन है ये सारी लाइबिलिटीज हम uh, बाद में पेमेंट करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है और उसके बाद हम क्या पेमेंट करेंगे उसके बाद हम पेमेंट करने वाले हैं पार्टनर्स लोन को तो पार्टनर्स लोन को हम सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे और पार्टनर्स लोन के बाद हम फिर पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे एंड फॉर दैट पर्पज हम स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल को प्रिपेयर करके वी आर फाइंडिंग आउट दी ऑर्डर ऑफ पेमेंट की एक्स्ट्रा एक्सेस कैपिटल कितना पेमेंट होने वाला है या एक्सेस कैपिटल कितना होगा किस तरीके से ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पेमेंट करना है तो बेसिकली अगर हम इससे कंसेप्ट की बात करें तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की थी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज नंबर वन इज इंटरनल लाइबिलिटीज एंड नंबर वन इज एक्स नंबर सेकेंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो वेन एवर दी कैश वी आर गेटिंग वॉट काइंड ऑफ लाइबिलिटीज वी आर गोइंग टू सेटल्ड फर्स्ट तो रिमेंबर सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं बाहर वालों को जो लाइबिलिटी है बाहर वालों का जब पेमेंट है उसको हम सेटल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं वी आर सेटलिंग दी इंटरनल लाइबिलिटीज़ तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें होगी जैसे कि पार्टनर्स लोन है पार्टनर की कोई सैलरी है तो पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो लास्ट में पेमेंट की जाएगी और उसके पहले हम बाकी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमारी होती है Whatever external liabilities are related with the organization, we are going to pay that first. So, external liabilities we are going to pay first, and internal liabilities we are going to pay. लास्ट तो अकॉर्डिंगली पार्टनर्स लोन वी आर गोइंग टू पे सेकेंड लास्ट और उसके बाद फिर हम लास्ट में हमारे पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल को वी विल बी पेइंग लास्ट एंड द पार्टनर्स कैपिटल में हम कैसा पेमेंट करेंगे उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जो होता है वो बनाना पड़ता है और स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के ऑलरेडी वीडियोज अपलोड करके रखे हैं अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का वीडियो देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वहां पे सॉल्व करवाया है नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं

पढ़ के हुआ है एंड अवर प्रिपेरेशन इज कम्प्लीट बट रिमेंबर दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी दी एमसी कैसे पढ़ने हैं आपको चैप्टर का जो भी थियरटिकल बेसिक्स है वो पहले पढ़ना है जो भी चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेथड्स होंगे पॉइंट्स होंगे फॉर्मेट्स होंगे वो आपको स्टार्टिंग में पढ़ने हैं उसके बाद आप भले पेपर जो बुक के पीछे एमसीक्यूज है वो आप एक बार रिवाइज करो ताकि आपको पता चलेगा एग्जैक्टली वॉट एवर यू हैव स्टडीड फ्रॉम द टॉपिक वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द टॉपिक वेदर वी आर वेदर यू आर ट्राइंग टू इंटरलिंक दैट विद दी एम सी क्यूज और नॉट अगर आपने पूरा थियोरी पढ़ लिया और फिर आपको एम सी क्यूज सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इसका मतलब आपने थियोरी ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ें एम सी क्यूज में ध्यान रखनी है नाउ लेट लेटर्स कम बैक एंड डिस्कस अवर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर वन इज़ इंटरनल लाइबिलिटीज एंड नंबर सेकेंड इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आई होप मैंने अभी उटसाइडर्स को आपको बता दिया है तो एक्सटर्नल पहला पेमेंट मतलब मतलब तो करने वाली लाइबिलिटी होगी वो हमारी कौन सी लाइबिलिटी होगी वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगी जैसे कि मैंने एग्जांपल्स भी हैं तो ये सभी चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ही सिंपल कंसेप्ट अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन से टाइप की लाइबिलिटीज होती है तो फिर कोई भी लाइबिलिटी पूछ ले आपको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है अमाउंट्स ड्यू टू दउटसाइडर्स वॉट एवर पेमेंट वी आर गोइंग टू पे टू दी आउटसाइडर्स दैट लाइबिलिटीज आर कंसिडर एज दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बिकॉज इन दिस चैप्टर एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइबिलिटी इज द बेसिक्स बिकॉज

Examples आपको दिख रहे हैं क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल है बैंक लोन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इनकम टैक्स है सेल्स टैक्स है कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा तो दीज ऑल पॉइंट बेसिकली आर ऑफ एक्सटर्नल दाइबिलिटीज सो आई हैव एडेड सम सो दैट यू कैन गेट मोर आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फर्दर वी विल मूव टूवर्ड्स नेंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटीज नाउ आई होप कि आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स ऐसे लाइबिलिटीज या ऐसा पेमेंट जो पार्टनर्स से रिलेट करने वाला है जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल हुआ जैसे कि पार्टनर्स का लोन हुआ तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटीज तो पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये हमारा कौन सा लाइबिलिटी होगा ये हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज होगा तो दिस विल बी द इंटरनल लाइबिलिटीज एंड द फर्स्ट पॉइंट वॉज दी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो दो कंसेप्ट हमने रिवाइज किए हमारा पहला कंसेप्ट था इंटरनल लाइबिलिटी और हमारा दूसरा कंसेप्ट है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अगर आपको अभी तक जितना करवाया वो क्लियर है तो जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन येस क्लियर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन मूव फर्दर एवरी वन हैज टू राइट दिस एवरी वन हैज टू कमेंट दिस बिकॉज सिंस वी आर टेकिंग एन ऑनलाइन लाइव सेशन नाउ तो आपको कमेंट करते जाना है ताकि मैं धीरे धीरे कमेंट देखूँ ताकि मुझे भी पता चले एग्जैक्टली exactly आपके कमेंट से कि यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड दिस रिविजन सेशन आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है बीच में से कहीं जाइए ना क्योंकि लिए अगर आप बीच में से गायब हो गए तो आपके जो कन्सेप्ट है वो रिवाइज़ नहीं होंगे और आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आज आपके रिवाइज होने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे ताकि आपके चैप्टर के बेसिक जो थेरोटिकल पॉइंट्स है वो आपके क्लियर होंगे तो यस एवरीबडी इज राइटिंग यस क्लियर यस क्लियर चलो वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू लेट अस मूव फर्दर विद द नेक्स्ट कन्सेप्ट नाउ मेथड्स ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर में हम अगर देखें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तो अभी हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपको देखना है कि कैसे सॉल्व होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट कैसे बनता है तो वो मैंने ऑलरेडी एस वाई बी कॉम की एक प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें जाइए उसमें जाके देखिए आपको सारी चीजें पता चलेगी एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है नाउ लेट अस कम बैक वी विल बी नाउ डिस्कसिंग हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश तो इट्स वेरी सिंपल वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नंबर वन इज कॉल्ड एज द सरप्लस मेथड या विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेस कैपिटल मेथड एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज मैक्सिमम लॉस मेथड तो दो मेथड्स हैं एक होता है सरप्लस कैपिटल मेथड जिसमें हम एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा होता है दैट इज स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बट मैक्सिमम लॉस मेथड एक टाइप का मेथड है लेकिन मैक्सिमम लॉस मेथड ये एस वाई बी कॉम के सिलेबस में नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड के ऊपर फोकस करना है एंड दैट इज सरप्लस ऑब्लिक एक्सेस कैपिटल मेथड तो सरप्लस ऑब्लिक एक्सेस कैपिटल मेथड में क्या होता है वी आर प्रिपेयरिंग टू स्टेटमेंट द फर्स्ट इज द स्टेटमेंट शोइंग एक्सेस कैपिटल उसमें हम क्या करते हैं एक्सेस कैपिटल कैलकुलेट करते हैं एज पर पार्टनर्स एंड एज पर द स्पेसिफिक फॉर्मैट एंड देन वी आर फाइंडिंग आउट दी ऑर्डर ऑफ पेमेंट कि कौन से पार्टनर को पहले पेमेंट करना है कौन से पार्टनर को बाद में पेमेंट करना है और उसी के बेसिस पे वी आर प्रिपेयरिंग द सेकेंड स्टेटमेंट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जिसमें वी आर प्रीपेरिंग ऑल द लाइबिलिटीज एंड द लाइबिलिटीज आर बेसिकली डिवाइडेड विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ एंड इंटरनल लाइबिलिटीज तो हम क्या करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के कॉलम्स पहले प्रिपेयर करते हैं और हम जितना हमारे पास कैश आता है उससे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं जितना हमारे पास कैश बचता है उसमें हम फिर इंटरनल लाइबिलिटीज की सेटलमेंट में धीरे धीरे आगे जाते हैं तो ये हमारा ओवरऑल फैक्टर ये हमारा ओवरऑल पॉइंट होता है इन द चैप्टर ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आई होप दिस कंसेप्ट आर क्लियर टू यू नाउ तो टू स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात की अभी नंबर वन है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल और नंबर सेकेंड होता है स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश तो हम क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल भी बनाते हैं और स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश भी प्रिपेयर करते हैं तो आ, अगर इस चैप्टर में और आपको कुछ रिवाइज करना है ये बेसिक चीजें मैंने अभी आपको बता दी कि मेजर मेजर पॉइंट ये है कि आपको इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का फर्क पता होना चाहिए कि इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में एक्चुअली पेमेंट किस लेवल पर किया जाता है वॉट इज द सेटलमेंट पार्ट हाउ द लाइबिलिटीज आर सेटल्ड वॉट इज द एक्चुअल वे थ्रू विच द लाइबिलिटीज आर सेटल्ड how many methods are followed in piecemeal distribution how many statements we are going to prepare in piecemeal distribution so these are just the general points now you can revise the piecemeal distribution ka excess capital ka jo statement hai to wo maine already video bana ke rakha hai agar wo abhi karwaunga to fir baki ke chapters revise करने में काफी time लग जाएगा और मैं last minute में क्या क्या चीजें आपको revise करनी है वो सारी चीजें आज revise करवा रहा हूँ तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ना हम अभी अपने सेकेंड टॉपिक में जाएंगे एवरी वन अगर पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट है पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हुआ है तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आपको ये इतनी चीज़ें जो मैंने आप अभी समझाई है वो अगर क्लियर है तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फर्दर विद अवर टॉपिक नंबर सेकेंड विच इज़ वेरी लेंदी एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो एवरी वन क्लियर तो एक बार जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फर्दर विद द सेकंड टॉपिक दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स जल्दी जल्दी कमेंट करो कमेंट आने चाहिए सबके आई एम वॉचिंग नाउ योर कमेंट्स तो जैसे आपके सबके कमेंट्स आ जाएंगे हम हमारे टॉपिक नंबर सेकंड में जाएंगे एंड टॉपिक नंबर सेकंड विल बी द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स यस एवरीवन एवरीवन हैज टू राइट एवरीवन हैज टू राइट द कमेंट यस क्लियर ऐसे कमेंट करो ताकि आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन गेट योर फीडबैक बेसिकली वॉट एवर वी हैव रिवाइज इन द चैप्टर नंबर वन कॉल्ड एज पीसफिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश दैट इज क्लियर टू यू Okay, nice, nice, चलो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी गुड चलो अस मूव टू अवर सेकेंड टॉपिक कॉल्ड एज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स टॉपिक हम सेकेंड टॉपिक में जाएंगे हाँ मैंने एक्सेस कैपिटल के किसी ने क्वेश्चन पूछा है हाँ एक्सेस कैपिटल के मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं कि एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो आपको पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस एज वेल एज एक्सेस कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिए थे तो वो आपको प्ले uh, लिस्ट में मिल जाएंगे तो यू गो टू द चैनल प्ले लिस्ट में जाइए एस वाई बी कॉम का एक प्ले लिस्ट बनाया है उसमें आपको वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन के चलो अभी हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे अब ध्यान से समझना बेसिकली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मतलब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं बट सिंस द एग्जाम इज नाउ ऑनलाइन तो ऑनलाइन अभी एग्जाम है uh, लेकिन अभी अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या चीजों को ध्यान रखें तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो बड़े बड़े 15, 15, 20, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस तो पूछे जा नहीं सकते तो एम पैटर्न में किस तरीके से आपको चीजों को रिवाइज करना है मतलब मैं अगर इसमें भी कहूँ तो आपको इस चैप्टर में भी मैक्स टू मैक्स सारे के सारे बेसिक्स को रिवाइज करते जाना है एंड पार्टनरशिप फाइनल इज इज द टॉपिक विच इज नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज इन द स्टैंडर्ड ऑलरेडी यू हैव स्टडीड द फाइनल अकाउंट्स है एवरी ईयर यू आर गोइंग टू स्टडी फाइनल अकाउंट्स इलेवन स्टैंडर्ड में आपने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा सोल ट्रेडर फिर आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ा फिर आपने एफ में मैन्युफैक्चरिंग या डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स पढ़ा फिर अभी एसवाई में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स फिर से पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ी चीजें हैं जो तो ऑलरेडी आपने पढ़ ली है बेसिकली एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट पार्टनरशिप क्या है वो मैंने एक एग्जांपल एक सेक्शन के बेसिस पे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज पर सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस तो पार्टनरशिप बेसिकली दो लोगों का होता है दो से ज्यादा का भी हो सकता है लेकिन दो लोग होने चाहिए तो दो लोग होंगे तो उस बेस पे Uh, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा उस बेस पे जो भी बिजनेस होगा दैट विल बी कंसिडर एज द पार्टनरशिप तो एज पर सेक्शन फोर और पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में है 1932 ईयर में बना था उसके बेसिस पे पार्टनरशिप को डिफाइंड किया गया तो दिस इज जस्ट द डेफिनेशन लेट अस मूव फर्दर टू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया देखो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन तो दो या दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए बराबर है द बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और पार्टनर्स एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स मतलब दोनों लोगों ने काम करना चाहिए या एक लोग एक काम करेगा दूसरा अगर काम नहीं करेगा तो ऐसे केस में वो स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है तो आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर भी पढ़े थे डॉर्मेंट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर ऐसे एंड देर शुड बी एन एग्रीमेंट और वो जो एग्रीमेंट बनता है बेसिकली दैट इज नथिंग बट द पार्टनरशिप डी डे आपने एसपीओसी में पढ़ लिया है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में दीज आर जस्ट द नॉर्मल फीचर्स या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर तो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं अभी पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो जो एग्रीमेंट बनता है द एग्रीमेंट बेसिकली इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड क्या होता है इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन दैट द पार्टनर्स हैव एग्रीड एंड इट मस्ट बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड स्टैम्प तो ये थेटिकल फैक्टर्स है ये ऑलरेडी आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसमें सारी चीजें मेंशन होती है कितने पार्टनर्स है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा क्या कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो एवरी डिटेल्स बेसिकली आर रिलेटेड विद दी पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट रिलेटेड टू द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड और वो प्रॉपरली ड्राफ्ट होना चाहिए और प्रॉपरली स्टैम्प भी होना चाहिए हम अगले पॉइंट में जाते हैं अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें कवर होती है ये भी आपको पता है बहुत ही बेसिक चीज है नंबर वन हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट नंबर सेकेंड हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ वी आर ऑल्सो अ बिलो द लाइन अकाउंट विच इज कॉल्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं और हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाते हैं अगर कोई पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहा जैसे कि पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स का कोई सैलरी है तो ऐसे अगर कुछ पॉइंट्स है देन वी आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो द सेकेंड स्टेटमेंट विच वी आर प्रिपेयरिंग इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट विल बी ऑल्सो रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इफ वी आर हैविंग रेस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू प्रीपेयर इज पार्टनर्स कैपिटल ऑफ दिक करंट अकाउंट हम पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद हमारा फाइनल और आखिरी स्टेटमेंट बनता है जो होता है हमारा बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट में वी आर पोस्टिंग ऑल दसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स विच आर रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा एंड वी आर डूइंग द एंड वी आर प्रिपेयरिंग बेसिकली बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द इयर सो दीज आर बेसिकली अकाउंट which we are preparing in the partnership final accounts and you are aware about this because you have already studied and have already prepared these accounts when you was in 12 standard so first account which we are going to prepare is trading account second is profit and loss account and it will be also consisting profit and loss appropriation द नेक्स्ट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट तो हम डिस्कस करेंगे आगे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में तब ये डिटेल बताता हूँ फिर आगे के पॉइंट है हमारे बैलेंस शीट तो अभी तक जितनी चीजें हमने डिस्कस की है क्या यह आप सभी को क्लियर है इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एज क्लियर सो दैट वी कैन मूव फर्दर विद अवर नेक्स्ट पॉइंट्स Everyone has to write the comments. I want to see that everyone is understanding and everyone is attending this live session and enjoying this session as well as it will be helping you for last minute revision related to your examination. So just write in the comment section so that we can move further with the topic. So, everyone, everyone has to write. Very good, very good. All of you are commenting. Thank you very much for your lovely comments. Let us start with our next concept now. नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और फिर वो एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स करते हैं तो देर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स नंबर वन होता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड और नंबर सेकेंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड तो कौन सा होता है पहला होता है फिक्स कैपिटल मैथड एंड सेकेंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अभी हमें इसका डिफरेंस समझना है कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या डिफरेंस है मैंने सारा डिटेल डाला है और ये पी डी एफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो पी डी एफ कहाँ मिलेगा आपको पी डी एफ आपको मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पर टेलीग्राम का चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक पे टेलीग्राम पहले ऐप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है उसके बाद उसमें आपको टेलीग्राम वो जो लिंक आपको मिलेगी वो लिंक पे क्लिक करना है आप डायरेक्टली चैनल पे जाओगे और वहाँ ज्वाइंड हो जाओगे फिर वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा और वहाँ से आप पी डाउनलोड कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले आपको पी डी वहीं पर मिलने वाला है फिक्स कैपिटल मेथड तो सबसे पहले हमारा है फिक्स कैपिटल मेथड ठीक है फिक्स कैपिटल मेथड क्या है मैंने सारी चीजें डाली है सारा क्रक्स डाला है इतना पढ़ लेंगे तभी भी आपका फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट क्लियर होगा अंडर फिक्स कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर दैट इज पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट ठीक है फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है दो अकाउंट्स हम बनाते हैं एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट तो वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑल दी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरीर्स करंट अकाउंट ठीक है फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है हम दो लेजर्स प्रिपेयर करते हैं नंबर वन होता है पार्टनर्स कैपिटल और नंबर सेकेंड होता है पार्टनर्स करंट और जितने भी एडजस्टमेंट्स आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग्स का पार्टनर्स पार्टनर्स की सैलरी का वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में करेंगे हम सारे के सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे कौन से मेथड में फिक्स कैपिटल में तो फिक्स कैपिटल में हम सारे के सारे जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगे दैट वी आर गोइंग टू डू इन पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एडजस्टमेंट्स इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिस इज द बेसिक्स रिलेटेड विथ पार्टनर्स दैट इज द फिक्स कैपिटल मेथड तो फिक्स कैपिटल मेथड का ये बेसिक्स है अगले पॉइंट में जाते हैं अगले कंसेप्ट में जाते हैं सेकेंड हमारा कंसेप्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड़ अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर

फिर अगला पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स ये एवरी वन नोज दिस बट आपको एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को ऐड किया है एंड ये एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट ऑलरेडी आपको पता है इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो इफेक्ट्स थे वही है ऐसा तो नहीं है कि फाइनल अकाउंट्स आप इस साल पढ़ रहे हो तो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट अलग आएंगे क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट सबको पता है आप अगले साल जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे या आगे कोई कोर्स करोगे उसमें भी अगर आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट इलेवन स्टैंडर्ड में पड़ा था ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड तो अभी चेंज है ऐसा कोई भी नहीं है तो ऑल दी एडजस्टमेंट्स आई हैव ओवर हियर आई हैव ऑल्सो गिवन दी फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट तो दिस पीडीएफ कैन हेल्प यू टू रिवाइज एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर तो ये पीडीएफ आपको लास्ट मिनट रिविजन के लिए काफी अच्छा हेल्प कर सकता है तो कहाँ पे मिलेगा टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगा इसलिए वहाँ पे जाना ना भूले लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये सारे आ, एक मैंने वहाँ पे डिटेल डाल के रखे हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखो सारे दिए हैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पार्टनर से रिलेटेड कौन से है उनका इफेक्ट क्या होने वाला है तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी यूजफुल टू रिवाइज एट द लास्ट मोमेंट ताकि आप ये लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर सके अगर एग्जाम ऑफलाइन होता तो भी ये पीडीएफ आपको काफी फायदा दे सकता था बिकॉज ये yes, जो पी है इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें लास्ट मिनट के लिए कौन से एडजस्टमेंट्स को रिवाइज़ करें कौन से ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिसके इफेक्ट हमें याद होने चाहिए पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सैलरी है कमीशन है एक्सेट्रा एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर पता चलेंगे अगला हमारा कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंसेप्ट आपके एसवाई में नया है एंड दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ या कंसेप्ट ध्यान देना सिर्फ बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू पैटर्न में बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सो एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए इफ अ पार्टनर इज एडमिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अगर कोई भी पार्टनर को हम फर्स्ट डे को बिजनेस में लेंगे तो फिर फॉर्मेट जो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा देखो क्या है इफ अ पार्टनर इज एडमिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही विल गेट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द एंटायर ईयर दैट इज द फुल ईयर एंड ऑल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द सेम फॉर्मेट जैसे आप पहले प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम्स बिल्कुल सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है अगर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में पहले डेट को आया जैसे कि इफ़ वी आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर तो अगर वो फर्स्ट जनवरी को बिजनेस में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो फर्स्ट अप्रैल को बिजनेस में आया और अगर हम फाइनेंशियल uh, ईयर को फॉलो करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कब होने वाला है या फॉर्मेट कब चेंज होने वाला है फॉर्मेट तभी चेंज होगा जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में इन बिटवीन द ईयर आएगा तो वो आपको ध्यान रखना है इफ अ पार्टनर इज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर इज एडमिटेड ड्यूरिंग दर न्यू पार्टनर अगर कोई पार्टनर स्टार्टिंग में बिजनेस में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट जितना रहेगा उसका शेयर मिलेगा नए पार्टनर को उस केस में हम न्यू रेशियो ढूंढे एंड अगर कोई पार्टनर इन बिट्वीन द इ आता है तो हम फिर क्या करने वाले हैं हम फिर प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉरपोरेशन में कॉलम्स uh, प्रिपेयर करेंगे प्री और पोस्ट में और हम उसको डिवाइड कर लेंगे जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं जनवरी से दिसंबर और अगर कोई पार्टनर बिजनेस में अप्रैल महीने में आता है तो जनवरी फेब्रुवरी मार्च तीन महीने वो बिजनेस में नहीं था वो अप्रैल महीने में, में बिजनेस में आया तो तीन महीना वो बिज़नेस में नहीं था तो वो तीन महीने का प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा और अप्रैल से ले दिसंबर तक उसको प्रॉफिट मिलेगा तो उस केस में टाइम रेशियो सेल्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो बेसिकली वो सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात है हम तो इसमें थेरोटिकल बेस जो हमारे एम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट uh, होंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फर्दर आगे जाते हैं तो ये मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं देखो स्टेप्स टू बी फॉलोड इफ एडमिशन इज ड्यूरिंग द ईयर दिस विल बी हेल्पफुल ओनली व्हेन द एग्जाम विल बी ऑफलाइन बिकॉज ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करने हैं बट बेसिकली दो चीज़ें इसमें से याद रखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा नंबर वन है हमारा नंबर वन है हमारा टाइम रेशो क्या है टाइम रेशो एंड नंबर सेकेंड है हमारा सेल्स रेशो तो ये दो चीज़ें आपको थियोरटिकल uh, बेसिक्स के लिए याद रखनी है कैलकुलेट टाइम रेशियो एंड डिवाइड ऑल फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स एक्सपेंसेस कौन से रेशो में डिवाइड होते हैं फिक्स एक्सपेंसेस टाइम रेशो में डिवाइड होते हैं फिक्स एक्सपेंस जो भी फिक्स खर्चे होते हैं वो हम टाइम रेशो में डिवाइड करते हैं और जो भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं वो हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं बस इतना ही आपको ध्यान देना है आ, बाकी के पॉइंट्स तो हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे उसमें हम इस प्रैक्टिकल पार्ट्स ये जो पॉइंट्स है उसको वहाँ पर यूज़ करते थे तो फिलहाल दो चीज़ें आपको बेसिक से रिलेटेड याद रखनी है कि ऑल फिक्स एक्सपेंसेज आर रिलेटेड विद योर टाइम रेशो एंड ऑल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद सेल्स विल बी डिवाइडेड इन द सेल्स रेशो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है सेल्समैन मैन कमीशन है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस है ये सभी चीजें किससे से रिलेटेड है सेल्स से रिलेटेड है तो वो सेल्स रेशो में बांटेंगे जो खर्चे फिक्स है जैसे सैलरी सैलरी देना फिक्स है रेंट देना फिक्स है तो ये सारे खर्चे जो फिक्स है वो हम कौन से रेशो में बांटेंगे वो हम टाइम रेशो में बांटेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी मैंने डाला है दिस इज ओनली यूजफुल व्हेन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चंस यूज होते थे तो ये आपके पास रेफरेंस के लिए रखे नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट मैंने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है और सेक्रीफाइज रेशो कैसे कैलकुलेट होता है तो दो चीजें हैं फॉर्मूला याद रखना और न्यू रेशियो का मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अपलोड किया था तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा न्यू रेशियो इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड रेशो या ओल्ड रेशो मल्टीप्लाइड बाई बैलेंस उल्टा भी कर सकते हो आंसर सेम ही आएगा और सेक्रीफाइज रेशो क्या है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ये फॉर्मूला याद रखना और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वो आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो दो चैप्टर हमारे रिवाइज हो चुके हैं सो टू टॉपिक्स वी है इज क्लियर टू एवरी वन इफ इट इज क्लियर टू यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एज क्लियर सो दैट वी कैन मूव फर्दर विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अमाल तो अमाल रिवाइज करेंगे और अमालमेशन का ही बेस आप कन्वर्जन ऑफर लिमिटेड कंपनी में यूज़ कर सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन तो एम सी क्यू पैटर्न में पूछे जा नहीं सकते तो बड़े क्वेश्चन को हम छोटा सा क्वेश्चन कन्वर्ट करके या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपके चैप्टर से रिलेटेड बेस है उस पर आपको एम सी क्यू बन सकते हैं तो यू कैन हैव दैट पॉइंट एज रेफरेंस वेन एवर यू स्टडी दी एम सी ऑल्सो तो अभी हम देखेंगे अमाल के रिलेटेड बेसिक्स तो बिफोर आई मूव फर्दर आई होप दिस टू टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरी वन इफ इट इज क्लियर टू एवरी वन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन मूव विद द टॉपिक नंबर थ्री एंड दैट इज अमालमेशन एवरी वन क्लियर विद दिस मच जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन एज क्लियर सो दैट वी कैन मूव फर्दर जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब का बटन आप दबा सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे फायदा आपको ही होने वाला है सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबाइए ताकि जब भी अपलोड होगा कोई नया वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पे आते रहेगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कुछ भी ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स आई एम रिसीविंग द कमेंट्स नाउ चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड टॉपिक नाउ व्हिच इज कॉल्ड एज अमाल मैं आपको थोड़ा लिख के सॉल्व करके बताता हूँ लिख के बताता हूँ पीडीएफ मिलेगा वो मैं आपको लिख के बताऊंगा क्या क्या चीजें तो so so हमने ऑलरेडी बाकी के टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है तो so अमालमेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे अमाल यहाँ पे जो आपको है दैट इज अमाल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है कौन सा है यू हैव अमालमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स कंसेप्ट तो वही रहेगा भले अमालगमेशन कंपनीज का रहे या भले अमालगमेशन पार्टनरशिप फॉर्म्स का रहे सो यू हैव द कंसेप्ट ऑफ अमालगमे देखो अमालगमेशन का मतलब सबसे सिंपल अगर जाने तो अमालगमेशन का मतलब होता है मर्जर होना या फिर कॉम्बिनेशन करना अमालगमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्जर और कॉम्बिनेशन ठीक है बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ लेते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड ठीक है हम पार्टनरशिप की बात करते हैं चलो ए ए पार्टनरशिप यहां एक पार्टनरशिप ही लिखता हो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आई विल राइट ओवर हियर एज पार्टनरशिप यहां पे ए ए बी पार्टनरशिप है एंड सिमिलरली यहां पे बी सी पार्टनरशिप है तो अभी क्या हो रहा है ए बी पार्टनरशिप और बीसी पार्टनरशिप दोनों आपस में अपना बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म को मर्च कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप को मर्च करने वाले हैं इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक नया ए बी बी सी पार्टनरशिप ऐसा उन्होंने नया पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर दिया ठीक है दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ मर्जर वेन टू पार्टनरशिप फॉर्म्स इंटीग्रेट्स टूगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू पार्टनरशिप इट इज कॉल्ड एज अमाल रिलेटेड विद मर्जर तो इसको हम मर्जर कहते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए पार्टनरशिप है और बी पार्टनरशिप है और ए क्या कर रहा है बी के पार्टनरशिप को टेक ओवर करेगा तो इट कैन ऑल्सो हैपन दैट ए कैन टेक ओवर द पार्टनरशिप ऑफ बी ऐसे केस में एक्चुअली इसको हम कहते हैं एक्विजीशन तो दिस इज कॉल्ड एज एक्विजिशन, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज टेक ओवर तो उसको हम टेक ओवर भी कहते हैं तो इस चैप्टर में अगर हम बेसिक चीज की बात करें तो वो क्या होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ओल्ड फॉर्म्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग ओल्ड फॉर्म्स डिजोल्व हो जाते हैं ओल्ड फॉर्म्स बंद हो जाते हैं और एक नया फॉर्म बनता है बिगर फॉर्म बनता है बिकॉज अमालगमेशन का मेजर पर्पज यही है कि हम छोटे लेवल से बड़े बिजनेस में जाए या बड़ा बिजनेस हमारा हो तो अगर हम ध्यान से देखें कि ए जो है उसको उसने क्या किया बी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो ए अभी बी का बिजनेस जब टेक ओवर करेगा तो क्या ए बी का बिजनेस फ्री में टेकओवर करेगा बिल्कुल भी नहीं ए बी को कुछ ना कुछ पेमेंट करने वाला है ए विल पे समथिंग और द अदर टू बी दैट समथिंग और द अदर विच ए इज पेइंग टू बी इस कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन ठीक है तो इस चैप्टर में ये वर्ड याद रखना काफी इम्पॉर्टेंट है तो परचेस कंसिडरेशन क्या होता है परचेस कंसिडरेशन का मतलब जब कोई किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लेता है तो वो उसके बिजनेस को एक्वायर करने के बाद उसको पेमेंट करता है तो जो भी पेमेंट किया जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन तो उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं हम परचेज कंसिडरेशन ये परचेज कंसिडरेशन कैश में भी हो सकता है शेयर्स में भी हो सकता है अभी रहा सवाल मेथड का तो आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना है एंड दैट इज कॉल्ड एज नेट असेट्स मेथड तो कौन सा मेथड आपको इस चैप्टर में पढ़ना है यू हैव टू स्टडी नेट असेट्स मेथड तो इट्स वेरी सिंपल नेट असेट्स मेथड किसके लिए नेट असेट्स मेथड फॉर कैलकुलेटिंग दी परचेज कंसिडरेशन आपको करना क्या है नेट असेट्स मेथड में सारे असेट्स को ऐड करना है ऑल दी अट्स वी आर गोइंग टू ऐड और उसमें से हम क्या करेंगे सारे लाइबिलिटीज को क्या करेंगे लेस करेंगे तो फिर जो भी हमें आंसर मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन तो यही आपको इस पूरे चैप्टर में करना है स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन जैसे कि परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी उसके रिलेटेड पॉइंट्स डाले हैं परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है से फॉर एग्जांपल आपके पास एक असेट दिया मैंने गुडविल कुछ अमाउंट दिया डेटर्स कुछ अमाउंट दिया कैश कुछ अमाउंट दिया फिर बिल्स uh, रिसीवेबल का कुछ अमाउंट दिया और कुछ लाइबिलिटीज़ दिए मैंने सन्डरी क्रेडिटर्स दिया है बिल्स पेएबल दिया है एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है तो इट्स वेरी सिंपल आपको क्या करना है इन सारे assets को क्या करना है एड करना है इन सारे लाइबिलिटीज को क्या करना है लेस करना है अगर सारे असेट्स को एड करके सारे लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो यू विल गेट एज परचेस कंसिडरेशन तो दिस इज द कंसेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर तो ये आपका परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन है इससे रिलेटेड आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है

यही कंसेप्ट आगे कंटिन्यू होता है विच इज कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इंटू लिमिटेड कंपनी जब आप पार्टनरशिप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो भी वही वहां पे भी परचेज कंसिडरेशन का ही कंसेप्ट है तो इसलिए के बेसिक्स आपको कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इंटू लिमिटेड कंपनी में भी यूज होंगे तो दिज वी हैव पॉइंट अब आप अपने बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं जितनी चीजें मैंने रिवाइज करवाई है वो हर एक चैप्टर का जो बेसिक्स है उसके ऊपर हमने रिवाइज किया है कल जो सेशन होने वाला है कल का सेशन होगा शाम को छः बजे दैट विल बी ऑन मैनेजमेंट अकाउंट्स तो मैनेजमेंट अकाउंट्स का एक सेशन होगा कल हर एक टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा तो कल का सेशन थोड़ा बड़ा होगा डेढ़ से दो घंटे तक वो सेशन एक्सटेंड हो सकता है कल का तो आप अगर प्रॉपरली रिवाइज करना चाहते हैं तो कल का सेशन अटेंड करें आपकी बहुत सारी चीज़ें उसमें रिवाइज होगी आई विल भी रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स विथ छोटा छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसमें करवाऊंगा ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली exactly कि, कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट uh, अकाउंट्स में सारी चीज़ें रिवाइज करनी है आई होप कि आपको ये इनिशियेटिव अच्छा लगा है अगर आपको ये इनिशियेटिव अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स जो है वो प्रेशियस कमेंट्स आप कमेंट्स में दे सकते हैं तो वी विल बी मीटिंग टुमारो लाइव एट सिक्स ओ क्लॉक ऑन दिस चैनल सब्सक्राइब करके रखें नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखे ताकि अगले जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर यूर अपकमिंग एग्जाम थैंक यू बाय बाय टेक केयर कल मिलेंगे शाम को छः बजे